नमस्कार दोस्तों, जियोलॉजी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा प्रिपरेशन से रिलेटेड है या किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आज मैं प्रिपरेशन को कैसे स्मूथली किया जाए उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा डीप में जाके बात करने वाला हूँ, और बाकी जो बांगर सीरीज से रिलेटेड टॉपिक्स थे उनके बारे में फिर कभी बाद में बात किया जाएगा। दोस्तों, प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल बिगनर्स के लिए मैंने एक वीडियो बहुत पहले ही बनाया था कि हाउ टू स्टार्ट जियोलॉजी प्रिपरेशन, और इसमें मैं एक 4 स्टेप स्ट्रेटजी के बारे में बात किया था। आई होप वो वीडियो आप सभी मित्रों ने देखा है, और प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखने आइए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं यह इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा, उसके बाद मैं थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जब आप UPSC का सिलेबस उठाएंगे जियोलॉजी का, ये पेपर 1 का था, तो इसका जो 4th पार्ट है वो पेलेंटोलॉजी है, और इस पार्ट में ये छोटे छोटे सब डिविजन दिए हुए हैं। ये जो टॉपिक्स हैं लाइक स्पीसीज हैं, मेगा फॉसिल्स, माइक्रो फॉसिल्स, मोड ऑफ प्रिजर्वेशन, इवोल्यूशनरी ट्रेंड, गोंडवाना फ्लोरा फौना, तो ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो हालांकि देखने में बहुत छोटा टॉपिक है, और वास्तव में ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, और इसको कैसे टैकल करते हैं इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। इन सब बातों को शुरू करने से पहले आइए हम लोग 2-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर का पेपर देखने पर, ये आई थिंक 2020 का 2020 का पेपर है, और एक 2022 का मैंने पेपर लिया, तो मुझे एक ट्रेंड सा समझ में आया। तो आइए उसको आपके साथ पहले डिस्कस करते हैं कि जैसे आप ये देखिए कि डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच प्लांट रिमेंट्स एंड इनवर्टिब्रेट सेल्स कैन बी प्रिजर्व एज फॉसिल्स। और उसके बाद ये तो हमारा कंपलसरी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, 5th क्वेश्चन। और उसके बाद 6th, 7th, 8th को जब आप उठाएंगे, आई एम सॉरी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट आप इसको ऐसे देखिए कि जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड पूछा है किसका, ये होमिनिड्स का पूछा हुआ है क्वेश्चन 6 में, ये 20 मार्कर क्वेश्चन है। ये हमारा इवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ होमिनिड्स पूछा है जो कि 20 मार्कर है, ठीक है। इसी तरीके जब आप क्वेश्चन 7 में आएंगे तो आपको क्या पूछा है कि डिस्कस द इफेक्ट्स ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स आफ्टर बरियल। इसी तरीके से जब आप 8th क्वेश्चन में आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि लोअर गोंडवाना फ्लोरा का पूछ रहा है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि छोटे से सिलेबस वाले पोर्शन से ये लगभग हर एक में बन रहा है क्वेश्चन, यानी कि आपका कंपलसरी में तो एक आया ही आया, उसके बाद 6th में भी आया, 7th में भी आया और 8th में भी आया। और चलिए इस चीज़ को और समझने के लिए हम लोग 1 साल का और पेपर एनालाइज करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अब आप इस वाले पेपर में देखिए, जैसे कि इसका कंपलसरी वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको क्या मिला, इंडेक्स फॉसिल, ये भी हमारा पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद जब आप 6th में जाएंगे तो 6th में आपको फिर होमोसेपियंस का मिला, इवोल्यूशनरी ट्रेंड। उसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे तो आपको फिर किस में मिल रहा है, लोअर गोंडवाना फ्लोरा का मिल रहा है। इसी तरीके जब आप क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा क्या, ये माइक्रोफॉसिल्स, ठीक है, माइक्रोफॉसिल से रिलेटेड मिला। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पैलेंटोलॉजी वाला सेक्शन है उससे हमेशा एक क्वेश्चन हमको मिल जा रहा है, और सिर्फ एक ही नहीं, हर एक सेक्शन में मिल रहा है। तो इस वजह से इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि आपको इसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे एटलीस्ट। मैं मानता हूँ कि आपका जो सेक्शन ए है उसमें आपने 3 क्वेश्चन ठीक ठाक से कर लिए हैं, तो उसके बाद भी इसमें 2 करने होंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, दो सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिनिमम पैलेंटोलॉजी के 2 क्वेश्चन आंसर करने होंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप पैलेंटोलॉजी कम्प्लीटली स्किप करके नहीं जा सकते हैं, और अगर आप स्किप करके जाएंगे तो करीब 40-50 नंबर का नुकसान आप कराएंगे अपना। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाए, आइए देखते हैं। दोस्तों, पैलेंटोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों ने बुक लिस्ट की बात जब की थी तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि जैन और अनंत रमन की आप बुक पढ़ लीजिए। ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। आई थिंक स्पीसीज वाले को छोड़ के लगभग सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे मित्रों का ये डाउट भी था कि इस बुक को कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, ठीक है। तो देखिए, ये बुक लगभग जो लोग फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए तो बाइबल टाइप की चीज़ है, मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में जाके क्वेश्चन आते हैं, लाइक फोरामिनिफर्स से भी रिलेटेड आ जाते हैं, फिर कभी कभी मोलस्का से रिलेटेड कुछ पूछ देता है, तो उनको तो आई वुड सजेस्ट कि पूरा पढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए केवल पढ़ रहे हैं तो उनको इसकी सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि कुछ एक पेपर्स हैं, आप पेपर में उठा के उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, जैसे कि चैप्टर 2 इसका फॉसिलाइजेशन से रिलेटेड है। फिर एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड में जब आप आओगे वर्टिब्रेट्स वाला, उसको पढ़ लीजिए। फिर लास्ट में कुछ एक्सटिंक्शन वाले पोर्शन है, उन चीज़ों को देख लीजिए। तो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, उनको
और जो आपके इस बुक में चैप्टर वाइज दिया हुआ है, एटलीस्ट जस्ट आप उनको पढ़ लीजिए। जो मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज वालों के लिए बोलूँगा कि जो टॉपिक इसमें मेंशन नहीं है, जैसे मोलस्का मेंशन नहीं है आपका, ठीक है, और ये इकिनॉइड्स वाला टॉपिक्स इसमें मेंशन नहीं है, तो उनको आप मत पढ़िए, उनको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन आईएफएस वाले एक बार कोशिश कर जाओ कि थोड़ा थोड़ा पढ़े रहोगे तो कुछ जोड़ तोड़ के लिख दोगे। जैसे इसमें मुझे गोंडवाना का जब मैं देख रहा था तो समझ में आया था, ठीक ठाक दिया हुआ है, उसको आप पढ़िए। और कंसोलिडेटेड तरीके से भी दिया हुआ है कि आप एक बार में पढ़ के उसको ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसको पढ़ने के समय आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, तो उन नामों से कन्फ्यूज नहीं होना है। हर चीज़ का तीन चार, बस अपने को 20-25 नाम मिल सकते हैं, ठीक है, तो तीन चार जो आपके दिमाग में क्लिक हो जाए बस उसको आप रखिए, उन नामों को पकड़ के रखिए और उसको हो सके तो लिख लीजिए। और जैसे आप स्केलेटन फॉर्म में रनिंग नोट्स बनाते हैं, उसको बनाते रहिए, बहुत हैंडी होंगे, और उनको बीच बीच में रिवाइज़ करते रहिए। दोस्तों, चलते चलते मैं एक बात आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि इस बुक से, ठीक है, अपनी चोट सुन लीजिए कि क्या पढ़ना है। चैप्टर टू आपको पूरा पढ़ जाना है, उसके बाद वर्टिब्रेट वाले में आप जाइएगा तो जो होमिनिड्स हैं, उसके बाद इक्वस एलिफस, इन चीज़ों को पढ़ जाइएगा। और इसको पढ़ते समय आप जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करने वाली चीज़ है कि जैसे वो टूथ वाला पैटर्न है, टूथ और हूफ वाला है, उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ थी, इसको ऐसे पढ़ के देखिएगा। और जैसे कि मान लीजिए आप फॉसिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो फॉसिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसका एक पहले बना लीजिएगा कि आप फॉसिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉसिलाइजेशन के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग मोड्स मिलेंगे, कंप्लीटली हार्ड पार्ट्स कहीं कहीं पर प्रिजर्व होते हैं, कहीं कहीं पर सॉफ्ट पार्ट प्रिजर्व होते हैं, कहीं पर परमिनलाइजेशन होता है, तो उनको इस तरीके से फ्लो चार्ट में, फिर इसमें भी आप जाओगे तो सब डिविजन्स मिलेंगे, तो इनका फर्दर भी क्लासिफिकेशन करके, तो ऐसे आप एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाते रहना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी, रिविज़न करने में आसानी होगी, और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इसको बनाने से आप पीछे मत हटो। इसको बनाओगे तो मुझे लग रहा है कि 1-2 मार्क्स तो ये आपका जो फ्लो चार्ट है वो ड्रैग कर ही लेगा, वो एग्जामिनर को भी अट्रैक्ट करेगा और वो भी समझेगा कि आपने इस चीज़ को समझा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि पैलेंटोलॉजी आपको और क्लियर हो गया होगा कि कैसे पढ़ना है, इसमें क्या डिटेल्स हैं, किस चीज़ को स्किप करना है। तो और दोस्तों, हमारे वीडियो को देखिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें और आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।